हमारे एक साथी जो है वो छुट्टी मनाने की खुशी में आज लगे हुए अपना बैंड बाजा करके, बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई एग्री नहीं करता. मैं आई एम वन ऑफ दोज जो कि बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री नहीं करता कि आज छुट्टी क्यों है और नहीं होनी चाहिए. आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? मेरे मुताबिक आई थिंक ये बहुत अनवांटेड छुट्टी थी. एज इट इज़ हम पाकिस्तान की इकॉनमी को ब्लेम करें कि हम बैकवर्ड हो रहे हैं तो हम एक बजाय इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये अनवांटेड. मेरा बड़ा सिंपल जिस तरह के स्ट्रेसेस इन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी लिविंग हियर नाउ कराची में, पाकिस्तान में जनरल हम लोग हर वक्त परेशान रहते हैं ना. तो मेरे ख्याल से अब पहले के मुताबिक अब हमारी परेशानियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, वी आर ऑन द एज मोस्ट ऑफ द टाइम. एग्रीड. और मैं उसको कंपेयर करो तो ये छुट्टियां जो ना ये बहुत जरूरी हैं फॉर पर्सन लाइक मी. आई नीड अ ब्रेक. कुछ नहीं तो 7 दिन तो काम करना है. एक दिन आप जो है रुकिए, बिकॉज आप दुनिया से पता नहीं कितने साल पीछे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग. सही है, अगर आप 6 दिन भी काम करते हैं उसमें से जितनी छुट्टियाँ निकलती हैं तो आप ऑन एन एवरेज आप हफ्ते के ना 4 दिन काम कर रहे हैं. आप कहते हैं कि आपके पास नहीं, आप कहते हैं कि आपके पास इकोनॉमी नहीं, आपके पास पैसा नहीं है. इकोनॉमी बात चीज है. मेरा ये कहना है कि अब वहाँ अगर आप बाहर की बात करते हो तो उधर एक टाइम होता है ऑफिस का. हर जगह बाहर को तो छोड़ दो ना, बाहर की तो नहीं छोड़ दो, बाहर कोई जरूरत नहीं. आपका पॉइंट ये है कि आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है. उनके फिक्स हॉलीडेज होते हैं, वो सारे एक ऑर्गेनाइज तरीके से. हमारे तो यहाँ पर होते हैं कुत्ते बने हुए लोग, एक बॉस बैठा हुआ है, आप छड़िया मारी जा रहा है. नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आप कहीं भी चले जाओ आपको आजकल यही माहौल मिलेगा. हम जो है ना अभी उस लेवल में पहुंचे नहीं है. फ्रांस फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी के अंदर होता यह कि एक सर्टन सेट नंबर ऑफ आवर्स होते हैं दिन के अंदर, 7 घंटे या 6 घंटे, नॉट इवन 8 आवर्स. आपने उतने घंटे काम करना है, अगर आप उससे ज्यादा काम करते हैं यू कैन योर एम्प्लॉयर कैन एक्चुअली गो टू जेल. Because it is illegal to work more than 6 hours or 8 hours. Because you're not delivering your work. आपको ज़रूरत नहीं है. सही है. हम लोग जो हैं unfortunately उस level में बैठे हुए हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है. तो हम लोग को तो बहुत आगे जाना है before we can even think कि यार हम जो है वो 12 घंटे से कम काम करें. हम तो 4 दिन में छुट्टी करके बैठे हुए हैं. मैं छुट्टी अपने लिए मना रहा हूँ. ठीक है ना, मेरा तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि जिस तरह जितनी स्ट्रेस में पाकिस्तान और हम लोग एज अ नेशन गुजर रहे हैं, यार हर वक्त टेंशन ही लगी रहती है. ठीक है, तो उसको इंप्रूव आपके नहीं, आप लोग उस दिन पिछले प्रोग्राम में आप लोग बात कर रहे थे किसकी, वो फेसबुक एंड यू नो आईटी एंड ऑल दैट नेटवर्किंग. आप घर जाके काम करो यार, आप वो काम घर ले. अगर आपको इतनी परेशानी है अपने काम के बारे में तो आप घर जाके काम करें, डेवलप सिस्टम्स. दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू गो इन पाकिस्तान. मुझे आप ये बताओ, मुझे एक सेकंड, आई एम सॉरी, मुझे आप ये बताओ जितनी आज फैक्ट्रियां बंद हुई, मैं अपने घर पे जाके वो टेक्सटाइल का प्लांट लाद के ले जाऊं? वैसे ही बंद हो गई हमारी, जो चल रही है, जो दो चल रही है, गिनती की दो चल रही है, उनको भी बंद कर दो. मतलब क्यों? लेकिन अदनान आप ये भी तो देखें ना कि जो लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, मैं गरीब, मतलब हमारे जो लो लेवल लोग, उनके पास तो रास्ता खाने का नहीं है. उनके पास तो हर रोज के उस पे वो कमाते हैं ना. आज पूरा दिन आपका बिजनेस बंद है, उनके पास कमाई का जरिया नहीं है, ना उनके हाथ में पैसा है. अब वो घर ले जाके अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? फिर हम कहते हैं हमारे गरीब, गुर्बत बहुत है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं. जब आप इस तरह की अनवांटेड छुट्टियां ला रहे हो, वैसे ही हमारे पास बहुत अनवांटेड छुट्टियां आती हैं. रोज रोज आपके हालात खराब होते हैं. 4 दिन आप काम कर रहे हफ्ते के अंदर. पॉलिटिकल आपकी पार्टीज के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पूरा शहर बंद हो जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर. ठीक है, अब आप उन चीज़ों को साइड पर रखें. ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आपके कंट्रोल में थी, तो आपने आज छुट्टी. गवर्नमेंट होती कौन है?
डिसाइड करने वाली कि यार बस वो फ्रैंकली गवर्नमेंट आपकी आंख है यार, मतलब हर अनफॉर्चूनेटली दैट इज द क्वेश्चन बिकॉज़ यू नो इट्स दिस पाकिस्तान इज अ फैमिली बिजनेस. नहीं तो यू आर नॉट रनिंग द गवर्नमेंट, समबडी हैज टू रन द सिस्टम. अगर वो चला रहे हैं अनफॉर्चूनेटली मसला सारा यही है ना, ये भी एक बहुत मेजर इशू है कि वो जो है दे टेक इट्स टर्न इट इनटू अ फैमिली बिजनेस. सर फिर हटा देंगे वो दुकान बंद हो गई ना, कि गवर्नमेंट लाए भी तो हम ही है ना, बगैर सोचे समझे हम ही आप यार नहीं. अगर हम इसको गलत समझते तो आज हम यहाँ पे बैठ के उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, हमने उनको हटा दिया होता. ये हम हमारे वाले से छुरा आज मुझे एक दोस्त ने मुझे किसी चीज के बारे में बताया, रशिया में वो एक टर्म होती है, चार पांच लोग बैठते हैं, दे डिसाइड एवरीथिंग. यहाँ पे जिरगा कहते हैं उसको, यहाँ पे उसको जिरगा कहते हैं, यहाँ पे हम जिरगा. लेकिन यहाँ का वही जिरगा, और वो जिरगा को आप देखें, वो सारे आप लोग के डिसीजंस, आप लोग का कहना है ना, ये अगर कुछ होना होता कुछ हो चुका होता है. नो बट द थिंग इज, अच्छा मुझे बताओ अभी जो है, जो आज इकोनॉमिक लॉस हुआ है, सही है, जो लॉस आपका लोगों को हुआ है, जो लोग आज रात को हो सकता है कि वो रोटी के बगैर सोएं, सही है, व्हाट हैपेंस टू दीस पीपल एंड व्हाट डस टुमारो ब्रिंग फॉर देम. कल कोई और मरेगा, वो दोबारा छुट्टी हो जाएगी. प्लस जब हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतना सफ़र कर रहे हैं एक छुट्टी की वजह से इकोनॉमिकली, तो जिन लोगों ने ये छुट्टी दी थी, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं ना कि उन्होंने दी है, तो उनको इतना नुकसान हुआ है कि नहीं. मसला ये है कि हम मुतासिर आम आवाम होती है, कोई गवर्नमेंट एग्जैक्टली इट्स दे हैव द आई लाइक द कॉफर्स आर फुल फॉर देम बट नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स. इकॉनमी की बात करी जा रहा है कि इकॉनमी सफर कर रही है, हाउ लोग सफर कर रहे हैं, इकॉनमी तो कर रही है. मैं आपको कहता हूं कि आप इकॉनमी इज अ वेरी मैक्रो वर्ड, 10 दिन हफ्ते में ले लें यार, सही है, और आपको तबाही नजर आएगी. इकोनॉमिक की जो आप बात कर रहे हो ना, दैट्स अ वेरी मैक्रो लेवल थिंग. मैं माइक्रो की बात करूं, मैं वही आई एक्चुअली एग्री 110% विद आयशा सिंह कि यार वो जो बंदा है जिसने अपना रात को खाना खाना है वो क्या करेगा, जिस बंदे के आज पता नहीं कितने अरबों रुपए का नुकसान हो गया बिकॉज उसकी सुबह से रात तक फैक्ट्री बंद पड़ी रही है, सही है, मेरा बिजनेस था, मुझे काम करवाना है, मेरा एक इवेंट आ रहा है, आई कांट बिकॉज प्रिंटर बंद पड़ा हुआ है, सही है, जो कारीगर है वो लोग काम नहीं कर रहे, मेरा एक दिन. आपने एक और नया ट्रेंड देखा है जो इवन इधर भी अप्लाई होता है, काफी जगह अप्लाई होता है, कि अब लोगों ने प्राइवेट बिजनेस ने ये किया कि नाउ दे से कि गवर्नमेंट जो है कि उनके अदारे बंद हैं, प्राइवेट वालों की मर्जी है कि वो बंद करें ना करें, और आधे से ज्यादा प्राइवेट अदारे चल रहे हैं, तो ये भी तो होना शुरू हुआ है, पीपल आर टेकिंग थिंग्स इन हैंड, इनको जरूरत है वो बुला लें, जो कुछ है वो कर रहे हैं, नहीं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, द थिंग इज कर रहे हैं. आप ऑप्शन क्यों उनको बोल दो कि अच्छा यार करना है तो कर लो, व्हाई शुड इट बी लाइक दैट. और सब में बहुत फर्क है, बात इस वक्त कुछ की नहीं हो रही, बात सब की हो रही है. वापस सऊदी क्राउन प्रिंस डाइड, कोई भाई को मसला ही नहीं, अगले दिन फिर वो लाइफ गोज ऑन. कितना फर्क पड़ता है, तो भाई मसला ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, दुकान बंद कर दो, कल दोबारा खोल लेंगे. हमारा मसला ये कि हम लोग ने आम आवाम में और आपके जो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज हैं उनमें बहुत फर्क कर दिया है. लेकिन आप जो बाबा मुझे एक बात कही है ना कि दुकानदारों का क्या होगा, ये क्या होगा, अगर दुकानदार को पता है मेरी तीन दिन बंद है ना दुकान, लेबर उन्हीं की बात कर रहा हूं, लेवल पे जो लेबर है वो जो बाकी तीन दिन जो काम वाले ना उस पर वो डबल दिहाड़ी लगाते हैं, देर कवर अप, उनके पास कोई चॉइस नहीं है. ये बट कवर अप तो कर रहे हैं यार, फिर बाकी तीन दिन का काम है, रूल नहीं है सेइंग कि वो स्ट्रेस ड्राइव डाउन बिजली राइट नाउ और एनी डे, सही है, आधे लोग जो के पास नौकरी होती है आधे वो अपना पिकैक्स लेके और ब्रश लेके बैठे हुए होते हैं सुबह से रात तक, इतनी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी कि यार वो कांग्रेस काम करने को नहीं, आज दिहाड़ी नहीं लगी, इस उम्मीद में कि आज इनको कोई दिहाड़ी. सर मैं नहीं मानता इन लोगों को, और मार दें ये आप लोग गरीब गरीब के नाम पे, आप लोग जो है ना ये झंडे झंडे लगाते हैं, गरीब की बात नहीं है, मेरा तो ख्याल है यहाँ सारे के सारे जो है चोर चके हैं, अमीर हो गरीब हो बुड्ढो सब पेंशन वाले, एवरीबॉडी इज अ लायर हियर. मैं और सीरियसली ऑनेस्टली आई थिंक यार इन लोगों से मैं तो तंग आ चुका हूँ यार, देखो द थिंग इज, और मुझे तो ब्रेक चाहिए इन लोगों से मिलने की, मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है आफ्टर 3 डेज, जो मैं माहौल देखता हूँ, जो मैं लोगों की स्ट्रेसेस सुनता हूँ, टेंशन सुनता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता 14 दिन आगे काम करने का, फिर मैं क्या प्रोड्यूस करूँ. देखो यू आर राइट, या मैं अगर मैं प्रोड्यूस मतलब नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी, अब मैं घर पे कोई चीज अगर बनाना मैं वो लेबर को भी नहीं हायर करूंगा,
सो मैं तो मेरा वो मेरे थ्रू वो सफर कर रहा है ना, ट्रिकल डाउन लिखा है, ट्रिकल डाउन है। सो जो ऊपर की उसकी बात करो ना, नीचे लोग तो हमारे ऊपर हैं यार, हमें अल्लाह माफ करे, हमारे ऊपर कहना नहीं चाहिए, बट यू नो इट्स अ ट्रिकल डाउन प्रोसेस। हाँ, पर वही है ना कि आप जो कह रहे हो कि आप खुद नहीं कमाते तो अगले को क्या करोगे, ये करोगे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो दीस थिंग्स रियली इंपैक्ट यू। एक दिन छुट्टी आ गई, एक दिन आपके जो है इकोनॉमिक जो एक साइकिल आपको पूरा टूट गया ना, दैट्स वन रीजन व्हाई, अनदर रीजन व्हाई यू नॉट गेटिंग वर्क। आपको जो काम देता है ही कैन नॉट गिव यू वर्क बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग मनी, उसका एक दिन काम बंद हो गया। तो इट्स एब्सोल्युटली व्हाट यू सेइंग, ट्रिकल डाउन। And that's why we're here. ब्रेक हो गई, that's why we're here at work today. Why are we here? यार वही वाली बात है, कोई इनिशिएटिव लेता कोई नहीं लेता। I think इस तरह ही होना चाहिए, you guys are right. I mean के then it should be left to people to decide के छुट्टी करें या ना करें, है ना? Impact सब तभी आएगा जब सब एक सोच रखें। I think so, I agree, and we'd like to end on that note, but we'd like to leave you with the thought that जो कुछ भी है वो आपके हाथ के अंदर है, आपने डिसाइड करना है कि आपने इसी तरीके से रहना है या आपने जो है do you want to improve things, क्या करना है इस तरीके की, जो भी आपकी unwanted या तो छुट्टियां आ रही हैं या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल के अंदर है, कोशिश करें कि आप उनका ज़्यादा इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। वर्क फॉर yourself, वर्क फॉर योर कंट्री। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस तरह अदनान ने कहा कि मैं क्यों करूं चार दिन के बाद, पर यह है कि आप 10 दिन करें तो 14वें दिन जो है आपको उसका एडवांटेज नज़र आएगा। थिंक अबाउट इट, साइनिंग ऑफ एंड वी विल कैच यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। I'm going to sign off on this note, huh? I'll give another note. It's my city, and it's burning down. Blood stains everywhere. Some is dried on the ground. A woman holds her head and she cries. Her son has been shot in the street and he died. Her face tilted downward. Like the leaves in the heat of the sun, it's my city and it's burning down. Signing off, bye.